हेलो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हीमेचूरिया और ब्लड इन द यूरिन इन दिस वीडियो। हम इस वीडियो में यूरिन में ब्लड आना, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में हीमेचूरिया बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी किसी के यूरिन में ब्लड आता है, यूरिन रेड हो जाता है और वो बहुत ही फ्राइटनिंग सीन होता है। आदमी डर जाता है कि यूरिन में ब्लड क्यों आया क्यों आया। और क्योंकि यूरिन में ब्लड आना इस सेल्फ इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम, बट इट कैन सम टाइम बी जस्ट ट्रिवियल थिंग। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर यूरिन में ब्लड आता है तो यू शुड इमीडिएटली सीक डॉक्टर एडवाइस। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये एक सीरियस प्रॉब्लम की भी या सीरियस बीमारी की भी एक साइन हो सकता है। तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर मैं यूरिन में ब्लड की बात करूँ तो इसको हम दो तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं। एक एक टर्म होता है ग्रॉस हिमेचूरिया और एक होता है माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया। ग्रॉस हिमेचूरिया मीन्स कि आप नेकेड आई से देख सकते हो, आपने यूरिन किया, आपका यूरिन रेड आ रहा है, तो दैट इज़ रेड यूरिन और ग्रॉस हिमेचूरिया। माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया मीन्स कि आपको किसी प्रॉब्लम की वजह से आप डॉक्टर के पास गए, आपने यूरिन एग्जामिनेशन कराया, आपका यूरिन देखने में तो क्लियर है लेकिन एग्जामिनेशन में परसिस्टेंट उसमें आरबीसीज आ रहे हैं, ब्लड सेल्स आ रहे हैं, तो उसको माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया कह रहे हैं। दोनों ही चीज़ें अगर होती हैं तो दोनों ही चीज़ों का प्रॉपर इवेल्युएशन होना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। हिमेचूरिया एक अपने में ही काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इस हिमेचूरिया के क्या कॉजेज़ हैं, किस वजह से होता है, और एक रफ़ वर्कअप की जब भी हिमेचूरिया का पेशेंट मेरे पास आता है या तो हम उसको कैसे उसको वर्कअप करते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं और क्या यह बिना बीमारी के भी हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। जब भी पेशेंट्स हमारे पास आता है तो हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं कि कब आया, कितने बार आया, पूरा पेशाब लाल आया कि शुरू का पेशाब लाल आता है कि आखिरी के बाद आखिरी का पेशाब लाल आता है, और कोई एडिशनल सिम्टम्स तो नहीं है, किडनी का पेन तो नहीं है, लेफ्ट साइड पेन तो नहीं है, राइट साइड पेन तो नहीं है, पेशाब में जलन तो नहीं है, पेशाब रुक रुक के तो नहीं आ रही है, या अगर फीमेल फीमेल पेशेंट्स हैं तो उनमें मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम तो नहीं, कई बार मेंस्ट्रुअल ब्लड यूरिन में मिक्स होकर आता है तो उससे कन्फ्यूज़न हो जाता है। और इनिशियल हिस्ट्री लेने के बाद हम पेशेंट को फिज़िकली एग्जामिन करते हैं, पेट चेक करते हैं, कोई लंप तो नहीं है, पेट में कोई गठान तो नहीं फील हो रही, ब्लैडर तो फुल नहीं है, कई बार पररेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं लेटरिन के रास्ते फिंगर एग्जामिनेशन करके, कोई प्रोस्टेट की गठान तो नहीं है, ये सारी एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टेस्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि भाई हिमेचूरिया क्या होता है और इनिशियली हम पेशेंट को कैसे अप्रोच करते हैं, बट ये वीडियो का मेन टॉपिक है। हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हिमेचूरिया किस वजह से होता है, किस कारण से होता है। तो इसको बताने के पहले मैं बताऊं कि यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं और कहाँ कहाँ से ब्लड आता है। जैसे अपने को सभी को पता है कि हमारे शरीर में दो किडनी होती है, एक लेफ्ट साइड में होती है, एक राइट साइड में होती है। तो लेफ्ट किडनी में यूरिन बनता है, राइट किडनी में यूरिन बनता है, फिर एक ट्यूब के द्वारा जिसको हम यूरेटर बोलते हैं यूरिन ब्लैडर में आता है, यूरिन ब्लैडर में आता है, वहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। जब 200 300 या 400 ml बनता है तो आपको अर्ज होती है यूरिन पास करने की, फिर आप यूरिन करने के लिए जाते हो तो यूरिन के रास्ते वो निकल जाता है। फीमेल्स में यूरिन का रास्ता छोटा होता है, 3.5 to 4 cm होता है, मेल में पूरा पेशाब का रास्ता होता है। पेशाब की थैली के नीचे एक प्रोस्टेट की ग्रंथि भी होती है जो 40 साल की एज के बाद बढ़ती है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से भी कई बार ब्लड आ सकता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेल यूरिनरी ट्रैक्ट का। तो क्योंकि हम जब एनाटमी समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि भाई यूरिन किस वजह से आ सकता है। तो जैसा मैं हमने किडनी के एनाटमी में जाना कि ये सारे हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के पार्ट होते हैं, तो जो भी ऑर्गेन्स जो मैंने बताया, किडनी, यूरेटर, पेशाब की थैली, ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरिन का पाइप, इनमें से कहीं से भी ब्लड आ सकता है, वो हिमेचूरिया कर सकता है। और जब भी ये डिफरेंट डिफरेंट टाप्स पार्ट से ब्लड आता है तो इनके अलग अलग सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो जब डॉक्टर्स हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो वो लोकलाइज करने की कोशिश करते हैं कि आपका ब्लड किडनी से आया कि यूरेटर से आया कि ब्लैडर से आया कि प्रोस्टेट से आया, और अकॉर्डिंगली फिर उसका ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। तो सबसे पहले पहला कारण के बारे में बात करूंगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है किडनी इन्फेक्शंस और यूरिन इन्फेक्शन। यह एक काफ़ी कॉमन कारण है यूरिन में ब्लड आने का। तो फीमेल्स में यूरिन इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है, और स्पेशली यंग पेशेंट जो रिसेंटली मैरिड हैं या पोस्ट मेनोपोजल जिनके जस्ट अभी मेंसेस ख़त्म हुए, वो काफ़ी प्रोन होते हैं इन्फेक्शन में। तो यूरिन इन्फेक्शन में ब्लड आने की संभावना होती है, ये काफ़ी कॉमन कॉज है। दूसरा, जब भी यूरिन इन्फेक्शन होता है पेशेंट को पेशाब में जलन होती है, पेशाब बार बार आता है, अगर किडनी इन्फेक्शन है तो बुखार आता है,
तो अगर आप ब्लड आ रहा है और ये सारे सिम्टम्स भी है तो एक डायग्नोसिस यूरिन इन्फेक्शन की बनती है। नेक्स्ट कॉमन कारण है किडनी स्टोन, वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉज फॉर किडनी स्टोन। तो अगर आपको किडनी में स्टोन है तो काफ़ी सिवियर पेन होगा जब भी स्टोन मूव करेगा। कई बार नहीं भी होता है पेन, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, पेन नहीं होता है। तो किडनी स्टोन, यूरेटर स्टोन, पेशाब की थैली में ब्लड स्टोन है, तो ये काफ़ी कॉमन कारण है। जब भी स्टोन मूवमेंट होता है तो वो यूरिन में ब्लड प्रोड्यूस कर सकता है। वो ग्रॉस हिमेचूरिया भी कर सकता है जिसमें आप देख भी सकते हैं ब्लड, या तो माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया भी कर सकता है। पता कैसे चलेगा ये हमें स्टोन है? सोनोग्राफी करके हम कंफर्म कर सकते हैं। तीसरा कॉमन कारण है गठान होना, कैंसर होना। ठीक है, तो ये भी इतना रेयर कॉज नहीं है। तो कैंसर कहीं का भी हो, चाहे किडनी का कैंसर हो, यूरेटर का कैंसर हो, ब्लैडर का कैंसर हो, प्रोस्टेट का कैंसर हो, या यूरिन पाइप का कैंसर हो, जब भी कैंसर ग्रोथ होती है तो उसमें से ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लड यूरिन में आ सकता है। तो ये ग्रॉस हिमेचूरिया कर सकता है। किडनी से अगर ब्लड आएगा तो वो किडनी की ट्यूब से होके जाता है, तो ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, तो आपको स्टोन जैसा पेन हो सकता है। तो अगर अगर 65-70 एज का पेशेंट अगर बहुत सिवियर पेन और हिमेचूरिया या ब्लड लेके आता है, तो हमें कैंसर का डाउट होता है, हालांकि वो स्टोन भी हो सकता है। तो कैंसर काफ़ी कॉमन है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट का कैंसर हिमेचूरिया के रूप में प्रेजेंट कर सकता है। ब्लैडर कैंसर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स होते हैं, ये मेनली इनका प्रेजेंटेशन हिमेचूरिया में द्वारा होता है। इसमें बड़े बड़े क्लॉट्स कई बार पास होते हैं यूरिन में और यूरिन रुक जाता है। तो जब भी इस टाइप का डाउट होता है तो आप कई बार यूरिन एग्जामिनेशन कराते हैं, यूरिन में कैंसर सेल्स की जांच होती है, सोनोग्राफी होती है, सोनोग्राफी में डाउट होता है तो सीटी स्कैन होता है, ये सब करके हम डायग्नोज कर सकते हैं। मेल में, पुरुषों में स्पेशली जो 45-50 से एज ऊपर है, उनमें प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, प्रोस्टेट जैसे आपको अगर पता है तो ये पेशाब की थैली के नीचे एक अखरोट की साइज़ की ग्रंथि होती है जो पेशाब के थैली के जस्ट नीचे होती है, और 40 साल की एज के बाद इसका साइज़ बढ़ना चालू होता है। जब ये साइज़ बढ़ता है तो नॉर्मल इनलार्जमेंट भी हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। तो यूरिन में ब्लड दोनों ही केसेस में आ सकता है, प्रोस्टेट कैंसर के केसेस में भी आ सकता है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में भी आ सकता है। अगर पेशाब करने के शुरुआत में ब्लड आ रहा है, ठीक है, और बाद का यूरिन आपका क्लियर है, तो हमें डाउट होता है कि शायद यह जो रीज़न है पेशाब आने का वह ब्लैडर के लेवल के नीचे है, मतलब प्रोस्टेट से आ रहा है या पेशाब के रास्ते से आ रहा है, इसलिए पहले ब्लड आता है उसके बाद का यूरिन क्लियर होता है। कई बार अगर प्रोस्टेट से इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो ग्रॉस इमेच्योरिया क्लॉट्स के साथ भी हो सकते हैं। तो ये नॉर्मल कैंसर, नॉर्मल इलाजमेंट जिसको BPH बोलते हैं उसमें भी हो सकता है, और प्रोस्टेट कैंसर में भी हो सकता है। नेक्स्ट कॉमन कारण है मेडिकेशंस। कई सारी दवाइयाँ होती हैं जिनसे यूरिन में ब्लड आ सकता है। तो जैसे आजकल जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं या जिनको स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन का लकवा वगैरह मारा, उनको खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं, जैसे इकोस्प्रिन आपने सुना होगा, क्लोपिड्रोग्रेल हो गया, और भी कई तरीके की नई दवाइयाँ आ गई हैं। तो जब भी ये इनका डोज ज़्यादा होता है या उसके साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन होता है तो यूरिन में ब्लड आ सकता है। कई बार पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं जिनको एंटीप्लेटलेट एजेंट्स या एंटीकॉगुलेंट्स बोलते हैं वो चल रहे होते हैं, जैसे ही आप बंद करते हो उनका जो यूरिन होता है वो क्लियर हो जाता है। बट फिर भी इस टाइप के पेशेंट में हम जो सोनोग्राफी या सीटी स्कैन कई बार करा के देखते हैं कि कोई कैंसर वगैरह या कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है। कई बार कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कैंसर ड्रग्स हैं, साइक्लोफॉस्फामाइड हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन है, वो हेमोरेजिक सिस्टाइटिस करती हैं, मतलब ऐसा इन्फेक्शन करती हैं पेशाब की थैली का जिसमें ब्लड आता है। तो यह भी एक कारण है मेडिकेशंस इंड्यूस्ड सिस्टाइटिस का जिससे यूरिन में ब्लड आ सकता है। नेक्स्ट कारण है किडनी डिसीजेज, इतनी नेफ्रोलॉजिकल कॉज, जिसमें आपकी सोनोग्राफी नॉर्मल है बट यूरिन में RBCs आ रहे हैं, RBC कास्ट आ रहे हैं या कोका कलर यूरिन आ रहा है। तो सोनोग्राफी नॉर्मल है, सिर्फ उसको थोड़ा सा इकोजेनिसिटी इंक्रीज होती है। तो ऐसी स्थिति में हम कई बार किडनी बायोप्सी करते हैं, किडनी बायोप्सी करके नेफ्रोलॉजिकल कॉज रूल आउट कर सकते हैं जिनमें कुछ बीमारी हैं, जैसे कि IgA नेफ्रोपैथी, हीनोक्सलोनिन पर्प्यूरा, HSP जिसको हम बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसीज, ये सारे काफ़ी, IgA नेफ्रोपैथी काफ़ी कॉमन कॉज है हिमेचूरिया का। तो ये कोई सर्जिकल कॉज नहीं होता, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट ही होता है, कई बार कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, तो ये नेफ्रोलॉजिकल कॉजेज़ की वजह से भी यूरिन में ब्लड आ सकता है। नेक्स्ट कारण है ट्रॉमा, कहीं चोट लग गई, तो आप कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं या कोई ऐसा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट पढ़ रहे हैं, चोट लग गई, तो अगर इधर या इधर चोट लगती है तो किडनी में से ब्लड आ सकता है, ब्लैडर में, अगर फुल ब्लैडर में चोट लग गई तो यूरिन में ब्लड आ सकता है। तो ये भी एक कारण है यूरिन में ब्लड आने का। नेक्स्ट है, कई बार कई हैवी एक्सरसाइज की वजह से ब्लड आ जाता है। अगर आप बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, मैराथन्स,
कई बार रनर हिमेचूरिया बोलते हैं, जिनको लोग दौड़ते हैं बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज एकदम से कर लिया, यूरिन काफ़ी डार्क कलर आता है, ब्राउन कलर आता है, तो उसमें यूरिन एग्जामिनेशन कराओ तो ब्लड आता है। तो ये भी एक कॉज है, बट ये कोई बीमारी नहीं होती, जैसे ही थोड़े दिन में ये अपने आप इम्प्रूव कर जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर ब्लड इन द यूरिन। कुछ ऐसी डिसीजेज भी हैं जो अनुवांशिक होती हैं, जिनकी वजह से यूरिन में ब्लड आ सकता है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, जिसको हम ADPKD बोलते हैं, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़। इसमें किडनी में, दोनों किडनी में बहुत बड़े बड़े सिस्ट होते हैं या पानी की गठान होती हैं, यूजली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब सिस्ट बहुत बड़े होते हैं, किडनी बड़ी होती है, तो लेफ्ट साइड या राइट साइड में हल्का पेन हो सकता है, इनमें भी यूरिन में ब्लड आ सकता है, ठीक है। और कई बार कई सारी कुछ रेयर डिसीजेज़ भी हैं जिनमें यूरिन में ब्लड आने की संभावना होती है, तो जब भी यूरिन में ब्लड आए डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी है और उसके कारण जानने की कोशिश करनी है। जब भी आप जाएंगे डॉक्टर के पास, वो सिंपल आपका यूरिन एग्जामिनेशन करवाएगा, फिर सोनोग्राफी करवाएगा, ये देखने के लिए किडनी में स्टोन तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है। अगर कैंसर का डाउट है तो यूरिन में साइटोलॉजी की जांच करा सकता है, अगर कोई कारण उसमें से मालूम पड़ता है तो CT स्कैन कर सकते हैं, या अगर मान लो सोनोग्राफी नॉर्मल है और यूरिन में ब्लड आया जा रहा है, कोई कॉज नहीं मिल रहा, तो भी हम CT यूरोग्राफी कर सकते हैं। CT यूरोग्राफी करने से अगर उसमें कुछ डिटेक्ट होता है तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है, सर्जरी है या कोई और भी ट्रीटमेंट है तो उसको एडवाइस किया जाता है। कई बार सारी जांचें करने के बावजूद भी कॉज नहीं पता चलता, जैसे अगर हम माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरी है, आपने सारी जांचें कर ली लेकिन कोई कॉज नहीं पता चल रहा है, तो ऐसे केसेस में फिर सिस्टोस्कोपी की जाती है। इसमें पेशेंट को एक दिन के लिए एडमिट करते हैं, अंदर सीडेशन या लोकल एनेस्थीसिया, पेशाब के रास्ते दूरबीन डाल के आप देखते हो कि कोई लीजन तो नहीं है ब्लैडर में, और कई बार किडनी में भी ट्यूब डाल के आप फ्लेक्सिबल स्कोपी करके या यूरेट्रोस्कोपी करके किडनी तक पूरा ऊपर जाते हो, दोनों किडनी में आप सारे एंगल्स में जाके चेक करते हो कि कहीं पे कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। कई बार रेयरली AV मैलफॉर्मेशन होते हैं या एंजियोमेटस मैलफॉर्मेशन होते हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि किसी भी जाँचों में नहीं पकड़े जाते, वो सिर्फ और सिर्फ एंडोस्कोपी में पकड़े पकड़े जाते हैं। तो ये ब्रीफ में है क्या कारण है यूरिन में ब्लड आने का। वीडियो समाप्त करने के पहले मैं ये भी बता दूं कि कई सारे ऐसे कारण हैं जिसमें यूरिन का कलर चेंज होता है, अपने को लगता है ब्लड आया, तो जब भी आप डॉक्टर को सलाह लें तो एक चीज़ ये भी देख लें। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि आपने कुछ खाने से, जैसे आपने रुबाब खाया या शकर, ये बीट रूट्स होते हैं जो रेड कलर के आते हैं, उसको अगर खूब सारे खाते हैं तो नेक्स्ट डे आपका यूरिन भी रेड आ सकता है, या सेम डे यूरिन रेड आ सकता है, स्टूल भी रेड आ सकता है, तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉज। तो आप एक दिन वेट कर सकते हो, अगर उसकी वजह से है तो वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा, कई बार कुछ विटामिन टैबलेट्स होती हैं जिससे यूरिन काफ़ी डार्क येलो या डार्क ऑरेंज आता है, कुछ दवाइयाँ आती हैं जैसे पायरिडियम टैबलेट होती है जो हम पेशाब में जलन के लिए देते हैं, उससे यूरिन ऑरेंज कलर का आता है, रेड कलर का आता है, उससे कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे आप मेडिसिन बंद करेंगे तो यूरिन का कलर वापस वाइट हो जाता है। तीसरा, एक्सरसाइज रिलेटेड जो मैंने बताया, ये भी एक बेनाइन कॉज है, बहुत सीवियर एक्सरसाइज के बाद हुआ है तो वेट कर लें, हर बार होता है तो फिर डॉक्टर के साथ सलाह करें। तो ये सब ऐसे कारण हैं जिसमें आप खुद भी उसको देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर रहता है तो फिर डॉक्टर से सलाह करना चाहिए। तो ये बात का जरूर ध्यान रखिए कि यूरिन में ब्लड आना एक सीरियस मैटर हो सकता है। जब भी आपको लग रहा है यूरिन में ब्लड आ रहा है और आपको लगता नहीं ऐसी कोई चीज़ आपने खाई है या एक्सरसाइज किया है, कोई डेफिनेट कारण नहीं है, तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि कई बार ये सीरियस डिसीज़ भी हो सकती है। अगर समय रहते उस चीज़ का इलाज किया जाए तो उसको सही रूप से और पूरे तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई आपको कुछ पूछना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें लिंक में आप कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।